देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 7th एक्सरसाइज में ABCD इज अ साइक्लिक क्वालिटर। किसी बच्चे को साइक्लिक क्वालिटर की प्रॉपर्टी पता है? पता सबको होनी चाहिए मुझे लग रहा है। कोई ट्रायंगल का समोनिटी समोनिटी यस यस यस। तो बस आपको बेटे इतना ही लिखना है और इसमें कुछ करना ही नहीं था। इन्हें साइक्लिक क्वालिटर बच्चे सब कुछ गिवन है। इसमें आपको लिखना है बेटे एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो अब ए हमारे पास कितना दिया हुआ है बेटे 4y plus 2x, तो डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी बेटे, फिर सॉल्व कर लीजिए। सी हमारे पास कितना दिया है बेटे minus 4x and the sum is 180। तो अब आपके पास क्या आ गया बेटे, इससे इक्वेशन बनी है आपके पास minus 4x और plus 4y और 20 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 160। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। आप चाहो तो इसमें 4 से डिवाइड कर दो, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इसी तरह से आपको पता क्या है, आपको ए और सी का सम पता था 180, तो दूसरा क्या हो गया बेटे, बी और डी का सम भी कितना होगा बच्चे 180। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया बी बेटे, गिवन है 3y माइनस 1 और डी कितना गिवन है बेटे माइनस 7x प्लस 5 है ना बेटे इज इक्वल टू 180। तो अगर आप चेक करोगे 5 5 कैंसिल हो जाएगा बेटे, तो आपके पास कितना आ गया माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं सब बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन को या तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो या आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो या तो x को या y को। इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से तो आपके पास आएगा, और 2 को किसी से मत करिए, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करिए 1 से, जब सेम रखना हो। तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 7x प्लस 7y, 7 4 जा 28 और ये बेटा रहेगा माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, नहीं पहली इक्वेशन करके प्लस 180। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 4y 280 माइनस 180 100 कितना आया बेटे भाई y इज इक्वल टू 25। ठीक है, पुट इन वन माइनस x प्लस y तो माइनस x प्लस 25 इज इक्वल टू 40 बेटे, ये हमारे पास। तो आपके पास क्या आ गया 40 माइनस 25 कितना आएगा 15, तो माइनस x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू माइनस 15। अब यहाँ आप ये सोच सकते हैं कि x तो माइनस में नहीं आना चाहिए, देखिए x माइनस में आ सकता है बट एंगल माइनस में नहीं आना चाहिए, तो हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी तब हमारा ए बी सी डी आएगा, क्योंकि हमें एक्स वाई नहीं निकालना है, हमें एंगल्स निकालने हैं। तो जैसे हमारे पास a है तो a कितना है 4y प्लस 20, 4y प्लस 20 तो ये 120 होगा। तो आपके पास c जो होगा वो आपके पास कितना है माइनस 4x, माइनस 4x। माइनस 60 माइनस माइनस प्लस ऐसे, फिर एंगल बी कितना है हमारा 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 75 माइनस 5 70। कोई बच्चा बताएगा डी कितना आएगा डायरेक्ट, अगर बी हमारा 70 है तो डी कितना आना चाहिए 110 आना चाहिए है ना। तो डी देखो है कितना, डी है बेटे माइनस 7x प्लस 5, माइनस माइनस 7x प्लस 5 ये है माइनस 7, एक्स कितना है माइनस 15 प्लस 5, तो बताओ 15 7 जा कितना हो गया 105 प्लस 5 आ गया ना 110। तो इस तरह से आपको ABCD निकालना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये चीज हम आगे चैप्टर 4 में जरूर करेंगे कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव नहीं आने चाहिए, बट यहाँ पे ये x की वैल्यू थी तो ये पॉसिबल। तो ये आपके पास चैप्टर 3 है। अब आप मुझे बताओ किसी बच्चे को चैप्टर 3 में किसी और बुक से कोई भी क्वेश्चन